But now we would like to call, हम बुलाना चाहेंगे the star of the evening, जिन्होंने रहीम साहब का किरदार निभाया, मिस्टर अजय देवगन। So firstly, you're looking fit as ever. I'm not just saying it, sachi baat hai. You're talking about me? Both of you. Both of you. thank you so much. Trying to be fit, not completely fit. No, you look fit, sir. But aapne Rahim saab ka kirdar nibhaya aur aap jante hai ki, you know, he changed the face of Indian football. Wo architect hai modern Indian football ke. So what was that ki aapne aapke preparation mein, what is it that you involved for this role? एक्चुअली जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे आफ्टर 83 फुटबॉल वॉज लॉस्ट समवेयर. सो आई वॉज अमेज के ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक. एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित, प्रिपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपकी जरूरत भी नहीं पड़ती. एंड सर ये एक स्पोर्ट्स पिक्चर है, दिस इज अ बायोपिक, योर फर्स्ट स्पोर्ट्स बायोपिक एज वेल. हाउ वाज इट डिफरेंट कंपेयर्ड टू द अर्लियर वंस? आई वुड कॉल दिस जस्ट अ स्पोर्ट्स फिल्म. इट्स गॉट सो मच ऑफ ड्रामा. इट्स फॉर मी इट एज एन एक्टर इट वाज अ फिल्म विद सो मेनी लेयर्स. द कैरेक्टर हैड थिंग्स लाइक दिस. तो मैं इसे मेरे लिए अपने लिए आई वुडंट कॉल इट अ स्पोर्ट्स फिल्म. आई वुडंट कॉल इट अ स्पोर्ट्स फिल्म ओनली बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन एन इमोशनल ड्रामा. Apart from sports, so it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it after a long time. I think I played a character which had so many layers, and I really, really thoroughly enjoyed it. So the trailer looks very, very inspiring. You could see. I mean, रोंगटे खड़े हो गए. लेकिन अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे. आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम. एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ, but उसके अलावा बहुत ज्यादा नहीं खेला. No, but guys, I mean, रहीम साहब का किरदार निभाना is not an easy thing because मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से. और I mean, आप ये लेकर आ रहे हैं. Yeah, really think के लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. सो वेन यू सी द फिल्म यू विल नो दैट wasn't a very easy task. Absolutely. And we can't wait, but once again give it a big round of applause for Mr. Rahim Saab, Mr. Ajay Devgan. And now, yes, now I would like to call Mr. Amit Sharma, director. I've known him for quite some time, and my son teases me that he's a real son, and Arjun is probably an adopted son. He ever se chala raha hai, but of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीजें सही हो जाती हैं, कुछ चीजें गलत होती हैं. अब जितनी मेरी capacity उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट. ट्रेलर के बाद तो सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की, और कास्टिंग के साथ साथ ये जो कहानी है इंडियन फुटबॉल की, सच्ची कहानी, आगे जाकर इंडियन फुटबॉल को मदद कैसे करेगी? सॉरी, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट
क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने. विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म, उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा. ये कास्टिंग, इस कास्टिंग को करने में एक साल गया और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, विच वॉज, वन वॉज वेरी गुड प्लेयर, गुड एक्टर एंड शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए, इम्पॉसिबल टास्क था. शक्ल मिलनी चाहिए विद द ओरिजिनल प्लेयर, चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और यू नो जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकटा टू यू नो इन साउथ, इन गोवा, इन पंजाब, इंटीरियर्स ऑफ पंजाब. एंड इट टुक ऑलमोस्ट अ ईयर टू कास्ट एंड कास्टिंग डायरेक्टर वैभव एंटी कास्टिंग. ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, लाइक अमेजिंग, लाइक यू नो सुपर. लाइक माई टीम, आई वांट टू टॉक अबाउट माई the whole team of mine, which like you know, first Aman and Atul were sitting over here somewhere. I had just gotten out of badhai ho aur badhai ho ke itne sare calls aur phone calls, ye ho gaya wo ho gaya, sab cheeze chal rahe the picture release hone ke baad mein. To main roz inke sath baithta to main bolta tha excite karo, badhai ho se nikalo, main isme dalo, maidan mein dalo. Tab iska naam maidan nahi tha. बाय द वे मैदान नाम अतुल ने दिया है. और स्टोरी स्क्रीन प्ले के अंदर अमन ने बहुत ज्यादा हेल्प किया, बहुत ज्यादा. मतलब हम लोग पूरी टीम, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक साइवन, रितेश सर, एवरीबडी, लाइक यू नो माय डीओपी, यू नो तुषार, ही वाज देयर. तुषार वाज एक्चुअली शूटिंग सम एड्स, लाइक टू एड्स, एंड एक महीना बचा था शूटिंग के लिए. और मैं इनसे मिला, मैंने कभी काम नहीं किया था उनके साथ में. तो उनसे पहली दफ़ा मिला तो ये सेड कि अब मैं एक महीना में मैं दो एड शूट कर रहा था लेकिन मैं वो छोड़ दूंगा. तो आई हैड नेवर वर्कड विद हिम, जस्ट विद दिस थिंग विद व्हाट ही सेड कि मैं वो दोनों छोड़ना चाहता हूँ और एक महीना रोज ऑफिस आना चाहता हूँ. आई सेड ही इज माई डी ओ पी फॉर दिस फिल्म. सो यू नो एवरी डिपार्टमेंट हैज डन सच अ ब्रिलियंट जॉब इन दिस. थैंक यू एवरीबडी, रियली रियली थैंक्स. थैंक यू सर, खड़े होइए प्लीज. दिनेश सर He has actually trained my boys for a year and on shoot, like going on and off, like upar niche niche upar har jagah pe. It was amazing. So Aman, Atul, thank you everybody, thank you, and thank you sir, really thank you for choosing me to make this film. Aapne, thank you sir. And Ajay sir is the best actor I've ever worked with. That's like I went and told him, like you know, ek 3 din hue the shoot pe, to maine bola ki main na sir dara hua tha pehle ki Syed Abdul Rahim was always a you know bahut hi kam baat karne wale, and we've always seen on Singham, you know, the thing is, and roll camera action, roll standby, the man is standing like this, standby, change over to Syed Abdul Rahim. I said hats off. Priyamani, fantastic. Gajraj sir, like Rudro, it was like amazing team I had. This film wouldn't be possible without a fantastic, amazing team. So thank you everybody. Thank you. Now, sir, team work तो दिख रही है आपके इस पूरे टीम में, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है. आप मेरे को बताइए कि how will this help Indian football moving forward? यार इंडियन फुटबॉल एक्चुअली अभी कुछ टाइम से अच्छा कर रही है, एंड इन टर्म्स ऑफ वी वर सो गुड एट दैट टाइम, ये कोई बिलीव नहीं करता है, किसी को पता ही नहीं है. क्योंकि अगर हम इतने अच्छे उस समय थे तो अभी भी हो सकते हैं. आई थिंक वही ये पिक्चर बताने की कोशिश कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है, दैट वी वर नॉट जस्ट गुड, वी वर अमेजिंग. लाइक जैसे बोनी सर ने बोला, वी वर एक्चुअली नोन एज ब्राज़ील ऑफ एशिया. स्टैनली राउस उस टाइम के फीफा चीफ, 1960 में उन्होंने हमको ये ठप्पा दिया था, विच वॉज ब्राज़ील ऑफ एशिया. सो आई थिंक इट वॉज इट्स टाइम टू, एंड किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल दीज डेज, इट्स जस्ट दैट वी डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज यू नो क्रिकेट इज सो बिग इन आर कंट्री, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिकेट बिकॉज आई प्ले क्रिकेट, आई एम अ क्रिकेटर. सो
I did not know anything about football, but during this film, got to know so much about football कि आज की डेट में मैं मेसी से बैठ के बात कर सकता हूँ शायद. अमन तू लगेगा साथ में मेरे. थैंक यू. लेकिन अब अरुणवा सेन गुप्ता जी और आकाश चावला जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है जी और मिस्टर बोनी कपूर के साथ. शो मी द जैकेट व्हाट यू वोर इन 1962. ही शोड मी, ही सेड टेक दिस एट लीस्ट. आई सेड टेक दिस. वाओ द जैकेट. अब इस पिक्चर के बहुत ही अहम हिस्सा मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पर प्रियामणि और गजराज राव जी को. गजराज राव जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप पहले हमें बताइए आपकी थोड़े रोल के बारे में और जो एक्सपीरियंस रहा है आपका सबके साथ काम करने का. पहली चीज तो मैं एक सबमिशन है मेरा. मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं, तो बोनी जी मतलब बड़ा फख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर डायरेक्टर स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं, तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है. और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का, जितना वो ज़िद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं, बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर आमिर. और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी. और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहां पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट, ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो. बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के ऊपर. ये फिल्म, सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इफ दिस मैन इज नॉट देयर ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी. कभी कंप्लीट नहीं होती थी. आई थिंक इट इज द काइंड ऑफ, आई थिंक रेजिलियंस इज हैज एंड द काइंड ऑफ लव ही हैज बोनी सर, हैट्स ऑफ. प्रियमणि, मेरा अगला सवाल आपसे है. जी. विदाउट यू, सैयद अब्दुल रहीम, जो उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए, पॉसिबल था नहीं, तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए. मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है. आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ. जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज द इमोशनल कनेक्ट. She holds the family together when Rahim Saab is, his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort on at home and everything. And so I'm really, really happy and thankful that I got to be a part of this project. So all thanks to Boni sir. Unhone mujhe call kiya tha na, actually not mujhe personally, but I got a call saying, Boni sir said, will you be a part of it? So I said, haan sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film, and I'm shooting with the man standing right next to me on my right. And I was so intimidated in this at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared. I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character.
मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. I just can't wait for all of you to see the film when it comes out because I'm sure everybody is going to love it and the players, I think you guys have done a wonderful job. Wow. इंतजार है, we can't wait either. लेकिन सर, बोनी सर ने कहा कि ये पिक्चर के बाद लोग आपसे नफरत करेंगे, क्यों? सुई मेरे अवार्ड है. इसी बड़ा अवार्ड का होता है एक्टिंग के लिए. थैंक्स अ लॉट बोनी जी, अमित जी, आकाश चावला जी एंड जय जी. एंड मैंने जो सीखा है फ्लोर पे, तो जब मेरे पास कॉल आया था अबाउट कास्टिंग एजेंसीज, तो एक रोल के लिए साढ़े चार साल पहले तब सर बच्चा था मैं. फैक्स आया होगा. तो सर उसके बाद तो मैंने पूछा कौन है, तो अजय देवगन जी. तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते हैं. तो उसके बाद ऑडिशंस मैं भेजा. उसके बाद और एक फोन है, सर ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई. तो मैंने बोला सोचा कि छोटा बजाएगा, खराब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला. तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट. अजय सर से, अजय सर के संग काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया. दिस मैन इज डेंजरस. चुपचाप बैठे रहते हैं. उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला तो वैसे ही चेंज हो जाते हो. कैसे ब्रिलियंस सपोर्ट. और गजराज जी वो इतना अच्छा. मैं आई एम फ्रॉम बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, पश्चिम बंगाल से हूँ. मेरा हिंदी बंगला से भी खराब है. ठीक है, ठीक है सर. तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे तो मैं चौंक गया. उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा. थैंक्स ए लॉट. टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ. लेट्स गिव इट अप फॉर द एंटायर टीम ऑफ मैदान बिकॉज अब इंतजार है ट्रेलर नहीं बस पिक्चर का. यस, सीटी के साथ 3, 2, 1, जिसके हाथ में सीटी है लेट्स मेक इट लाउड. आ जाओ टीम ऊपर, आ जाओ.